नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव में 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि आज देश में, खासकर मध्य प्रदेश में, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं ले पा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसान को खाद के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा रेगांव, पृथ्वीपुर व जोबट में होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं से अपील करता हूं कि गांव, गरीब व किसानों की बेहतरी को लिए कांग्रेस को चुने। अपना बहुमूल्य मत कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मुहर लगाकर कांग्रेस प्रत्याशियों को प्रचंड मतों से विजय बनाए। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। नमस्कार। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो तीनों स्वर्गीय विधायकगण तथा सांसद जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जो देश में परिस्थितियां हैं, प्रदेश की परिस्थितियां हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, किसान को कई जगह खाद के बोरे लूटने के लिए विवश होना पड़ रहा है, पुलिस डंडे मार रही है, और यही नहीं है, कुछ सरकार के संरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 बोरी की आवश्यकता है लेकिन 150-200 बोरी ये लोग उठा रहे हैं और उस पर फिर कालाबाजारी कर रहे हैं। जनता त्रस्त है, मक्का के भाव मिल नहीं रहे हैं, मक्का के मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1870 रुपए प्रति क्विंटल है लेकिन बाजार में 800 से 1000 रुपए क्विंटल बिक रही है। सोयाबीन का बीज खरीदा गया 10,500-11,000 रुपए क्विंटल में, आज उसके भाव घटके हो गए 3,500 रुपए, 4,000 रुपए क्विंटल। बिजली मिल नहीं पा रही है किसानों को, बिजली के बिल वसूली में लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। पूरे तरीके से प्रदेश में अव्यवस्था है, देश में अव्यवस्था है। कोविड के अंदर जो लोग को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया है। मैं आज इस अवसर पर सभी मतदाता भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूं कि विशेषकर जो गरीब तबका है, जो कि भुगत रहा है आज बेरोजगारी, महंगाई, उसके बारे में विशेष तौर पर वे ध्यान दें, किसी भी लोभ या लालच में ना आए और अपने अपने क्षेत्र में 3 विधानसभा और लोकसभा सीट में हाथ के पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस को विजय बनाए, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इस निरंकुश सरकार को अंकुश लगाने के लिए हमें निर्णायक वोट देना पड़ेगा। जब तक नकेल नहीं डालोगे इन बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए नकेल डालने का समय है, इन्हें सबक सिखाने का समय है। आप सबसे यही प्रार्थना है 30 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है, इसे आप लोग जिम्मेदारी से और विश्वास के साथ और गंभीरता के साथ निर्णय लें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।